करवा चौथ क्वीन बाय लक एंड तक सस्पेंस बना रहेगा कि कौन इस गेम में जीतने वाला है, आखिर जीतेगा कौन। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने एक ग्रुप गेम आपके लिए तैयार कराया है, प्योरली करवा चौथ स्पेशल है, जिसमें एंड तक सस्पेंस रहेगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा। जब सारे मेंबर्स खेल लेंगे तब पता चलेगा कौन जीता और कौन नहीं जीता। मैं लू सिंगल आप सभी का अपने चैनल पर चल रहे करवा चौथ मेले में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे मेले की हर स्टॉल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप मेरा मेला पूरी तरह से देख सकते हैं। आज हम चिट्स बना के इस करवा चौथ क्वीन के गेम को करवाने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, केवल आपको 15 चिट बना लेनी है, केवल 15 चिट, इन्हीं से चाहे कितने ही मेंबर्स हो, क्योंकि ये गेम वन बाय वन करके मेंबर्स आज खेलेंगे इस गेम को और इस गेम की मस्ती को करेंगे। 15 चिट में आपको करना क्या है, 3 पे लिख देना है सिंदूर, 3 पे लिख देना है मेहंदी, 3 पे लिखना है चूड़ी और 3 पे लिखना है बिंदी। ये करके 5 चीजें मैंने ली हैं, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, मंगलसूत्र और चूड़ी। ये 5 चीजें आपको फोल्ड करके चिट्स को पाउच में रखनी है। मैं गेम का डेमो क्लियरली और जल्दी दे पाऊं इसलिए मैंने बिना फोल्ड करे यहाँ पे ऐसे करके रख देनी है। अब फ्रेंड्स, गेम स्टार्ट होते ही मेंबर को बता देना है, जो मेंबर पहले खेलने आया है, कि इन 5 चीजों में से जो आपने अभी उसे सबको बता चल जाएगी कि इनमें 15 चिट हैं, 3 चिट मेहंदी चूड़ी सिंदूर चूड़ी मेहंदी चूड़ी सिंदूर मंगलसूत्र और बिंदी की 5 चिट हैं, इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। सपोज मैंने सिलेक्ट किया मेहंदी, अब मुझे 5 चिट निकाल के यहाँ पे रखनी है इन 15 चिट में से। एक मैंने ये निकाली, खोल के निकालेंगे, एक ये निकाल ली, एक ये निकाल ली, एक ये निकाल ली और एक मैंने ये निकाल ली। ये देखिए, अब मैंने जो चीज चूज करी है उसकी मेरे पास कितनी चिट आई है ये देखने की बात है। तो अब मैंने मेहंदी चूज करी थी और मेहंदी की मेरे पास 2 चिट आ गई हैं। अब एक पेपर आपको लेना है जिसमें लिखा हुआ होगा कौन कौन मेंबर खेल रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें एंड तक सस्पेंस बना के रखना है। तो अनु की मेहंदी की चिट आई और मेहंदी की कितनी आई, 2 चिट। हर मेंबर के आगे उसने क्या चूज किया था और उसकी उस चीज की कितनी चिट आई ये लिखा जाएगा। अब मेरा गेम मेरे लिए बहुत झट से चुटकियों में हो जाने वाला गेम है। अब तनु खेलने आएंगी, सपोज तनु ने चूज किया सिंदूर, तो 5 चिट ये निकालेंगी, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। अब इन्होंने सिंदूर चूज किया था, सिंदूर की इनकी आई 1 चिट, तो अब इनके नाम के आगे सिंदूर लिखा जाएगा और नंबर 1 डाल दिया जाएगा। अब शिल्पा रह गई हैं, मैं 3 लोगों का डेमो दे के आपको पूरा गेम समझा दूंगी कि हमें एंड में इसमें विनर कैसे मिलेगा। अब शिल्पा आई हैं, इन्होंने चूज करा बिंदी, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इनकी भी बिंदी की चिट 1 आई है। तो शिल्पा के नाम के आगे बिंदी और 1 चिट। रिजल्ट आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, इन चिट्स को हम साइड में कर देंगे। अब होस्ट ने एक चिट पहले ही बना के रखी हुई है जिसमें नंबरिंग करी हुई है कि मंगलसूत्र को 1 पॉइंट देना है, चूड़ी को 2 देने हैं, आप अपने मन से कोई भी आप नंबर चेंज कर सकते हैं, मेहंदी को 3, सिंदूर को 4 और बिंदी को 5। अब देखिए मेरा टोटल कितना होता है, इसमें 3 चिट हर चीज की पड़ी हुई है। तो मेरे मेहंदी की 2 आई तो मेरा टोटल स्कोर 6, तनु की सिंदूर की 1 आई इनका हुआ 4 और शिल्पा की बिंदी की 1 आई इनका हुआ 5। ये देखिए 4, 5, 6 तो सिर्फ 3 ही लोग हैं। आपका ग्रुप बड़ा होगा, आपको सिर्फ 15 चिट बना के गेम कर लेना है। तो अभी तक तो मैं हाईएस्ट पे चल रही हूँ, इस गेम की फर्स्ट विनर मैं हो गई। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ क्वीन तो मैं ही बन गई। बाकी आपके गेम में जो मेंबर भी, किसी की 2 चिट खुल जाए, किसी की 3 खुल जाए और किसी की 1 ही खुलती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसको आपने पॉइंट्स कितने दे रखे हैं। अगर किसी के मंगलसूत्र की 3 खुल गई तो भी उसके 3 ही पॉइंट का स्कोर होगा और अगर बिंदी की 2 खुल गई तो उसका 10 का स्कोर तो वैसे ही हो जाएगा। तो प्योरली लक गेम है, मस्ती वाला गेम है, एंड तक सस्पेंस वाला गेम है, जो हम लेडीज को बहुत पसंद आता है।